हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैट सी टैट स्मार्टर एवरीडे। मैं हूं एसपी सिंह। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे आगमन और निगमन विधि। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इससे पहले मैंने फोनोलॉजी का क्वेश्चन अपलोड किया था जो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, और जो ये क्वेश्चन आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सएप किया कि सर ये क्वेश्चन हमको चाहिए। सो ठीक है, तो उसके लिए हम अपलोड कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग, जिस प्रकार की भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड फर्स्ट ईयर, व्हाट आर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है टीचिंग का वो क्या है। तो फ्रेंड्स, प्लीज दो मिनट ध्यान से सुनिएगा कि आगमन और निगमन विधि होती क्या है। जो आगमन विधि है यानी कि इंडक्टिव, ये आप देख पा रहे हैं इंडक्टिव, जो है आगमन विधि होती है ये क्या है कि आगमन, जैसे आगमन से हमें पता लगता है कि क्या है आगमन। आगमन का मतलब जैसे किसी का आना, आ कौन रहा है इसमें, इसमें आपका टॉपिक आ रहा है, समझिएगा। अर्थात इसमें क्या होता है कि पहले आप भूमिका बना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाद में टॉपिक ला रहे हैं, तब उसको क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकरण और सिद्धांत बाद में आता है इंडक्टिव में। ठीक, इसमें पहले एग्जाम्पल देंगे हम, उसके बाद हम बच्चों को आगे टॉपिक और सिद्धांत पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो निगमन है ये इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले सिद्धांत बता दिया गया, फिर आपको एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, निगमन, निगमन मतलब पहले सिद्धांत फिर एग्जाम्पल। आशा करता हूँ इंडक्टिव डिडक्टिव समझ में आ गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है इसको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। प्लीज वॉच केयरफुली फ्रेंड्स, इंडक्शन मीन्स ड्रॉइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। इंडक्शन मीन्स ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब निकालना, अ कंक्लूजन निष्कर्ष फ्रॉम अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के समूह से। आगमन का अर्थ है उदाहरणों के समूह से निष्कर्ष निकालना। ओके, इंडक्शन मीन्स आगमन का अर्थ है ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना फ्रॉम अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के समूह से, उदाहरणों के समूह से निष्कर्ष निकालना। ठीक, पहले उदाहरण के समूह दे दिए गए, हमने पहले उदाहरण ले लिया, उदाहरण से फिर हम कहाँ निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं, जो हमारा आगमन विधि है। व्हाइल टीचिंग द टीचर टेक्स सम एग्जाम्पल्स एंड प्रूव्स देम अकॉर्डिंग टू द रूल एंड देन सेट्स अ रूल। समझिएगा, व्हाइल टीचिंग पढ़ाने के दौरान, ठीक, व्हाइल टीचिंग जब शिक्षक पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के दौरान टीचर क्या करता है, टेक्स सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण लेता है। ठीक, अध्यापक क्या करता है पढ़ाने के दौरान कुछ उदाहरण लेता है, एंड और प्रूव्स सिद्ध करता है देम उन उदाहरणों को अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार साबित करता है उन उदाहरणों को, एंड और देन सेट्स अ रूल, और फिर एक नियम निर्धारित करते हैं। ठीक, इतना समय आ गया होगा। व्हाइल डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इट्स अपोजिट, जबकि जो डिडक्टिव मेथड है वो जस्ट इसके अपोजिट है, उल्टा है। कैसे, जैसे अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंडक्शन जो आगमन है उसमें पहले नियम, फिर टॉपिक, प्रकरण, फिर सिद्धांत, और जो निगमन है इसमें पहले सिद्धांत फिर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन इंग्लिश व्हाइल टीचिंग कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जैसे इंग्लिश का उदाहरण लेते हैं हम, अगर हम
कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण, बदलना, चेंज करना ऑफ एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। जैसे हमें हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना कैसे है ये अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, द टीचर शुड फर्स्ट कन्वर्ट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस। तो पहले क्या करना है कि टीचर को शुड माने चाहिए, तो टीचर को पहले चाहिए कि वो कन्वर्ट फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस को कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक, पहले कुछ सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करें एंड और ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंक्लूड द जनरल रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। और फिर क्या होगा कि एक्टिव से पैसिव रूपांतरण के लिए बनाने के लिए सामान्य नियम का जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसे यहां से एक मिनट फिर से देखते हैं, कन्वर्ट फ्यू सेंटेंसेज ऑफ एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस एंड और ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंक्लूड, और फिर उनके जो है निष्कर्ष के आधार पर द जनरल रूल, फिर हम सामान्य नियम को फॉलो करें फॉर कन्वर्जन मतलब बदलने के लिए ऑफ एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। फिर क्या करें कि एक्टिव से पैसिव के रूपांतरण के लिए सामान्य नियम का निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पहले कुछ सेंटेंस बना देंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग फिर हम नियम पर चलेंगे, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे सामान्य नियम का। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ तक मैंने प्रत्येक वर्ड की और एक एक लाइन की हिंदी बताने की कोशिश की है। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था फोनोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन है, वो भी 2020 में बीएड फर्स्ट ईयर में आ सकता है, और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश प्रोफेंसी का है या अन्य किसी सब्जेक्ट का है जो आपको टफ लग रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, या देखिए नीचे ये मेरा नंबर है स्पेसिंग 9628182649, मुझे इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भेज सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे जो है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।